हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राम राम जी सारे ने। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, देख सकते हो। आज फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम एक महीने से इंतज़ार कर रहे थे। मैं दिखा देती हूँ कौन कौन क्या कर रहे हैं। इंतज़ार कर रहे थे हम कि हमें गुजरात से हरियाणा जाना था। फाइनली 4.5 महीने के बाद हम हरियाणा से के लिए आज निकल रहे हैं। ये हमारा आज नीचे का घर है जो बहुत ही बिखरा हुआ है। बारिश की वजह से सारे कपड़े इधर उधर पड़े हैं, इनको सेट करके दिखाएंगे। लास्ट में आपको दिखाती हूँ। और ये इसको आरवी को झूले में सुला रखा है, अगर ये नहीं उठेगी हमें खाना बनाने की देगी तो। और ये मम्मी लग रहे हैं खाना बनाने। मम्मी ने उठ के बना दिया सब्जी रोटी, अभी मैं बनाऊंगी ये थेपले और सारा काम करके फिर आता हूँ। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। पूरा खुश होकर मम्मी आज 5 बजे उठे थे, पापा और मम्मी दोनों लग रहे हैं 5 बजे उठ के। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी थेपले बना लेती हूँ, कहीं रह जाए। ये चूरमे के लिए बना दिया, ये पापा चूरमा बनाएंगे। ट्रेन में पूरा इन्जॉय करते चलेंगे ना। ये थेपले बेल के रख लिए, मैं तैयारी कर रही हूँ थेपले। हाँ जी, अभी नहा धो के हम हो गए तैयार और दिखाते हैं और क्या क्या कर लिया ये आरवी को। ये देखो हो सकती है, अगर कैसे खुश हो रही है आज, कहाँ जा रही है? तो पूरी खुश हो रखी है। ये देखो पजामी भी नीचे नहीं उतारी है। कहाँ जा रही है आरवी, क्या कर रही है? हाँ जी, ये सारा सामान हमने एक बार तो सेट कर दिया है यहाँ से। चलो ये मम्मी, चलो पोती चल पड़े। आरवी कहाँ जा रही है? धूप है बाहर है ना, चल पड़ी आरवी है। आरवी चलो, दूसरों लोग तो ले ले। हमारी आ गई है पहली फ्लाइट। फ्लाइट में सारा सामान पीछे पैक कर दिया। और मम्मी क्या मन में लड्डू फूट रहे आपके ना? चलो चलो, पहली बार ऑटो बैठी ना। ये वेटिंग रूम है, काफ़ी क्लीन साफ सुथरा था। और एसी लगे हुए हैं, सोफे हैं, एक साइड वॉशरूम है, एक साइड ये फीडिंग रूम है। काफ़ी आराम से 1 घंटा 2 घंटा आपका वेट करना हो कर सकते हो। ये दादा पोती अपने खेल रहे थे, ये मोबाइल चला रहे हैं। और ये हो गया अब ट्रेन का टाइम और चल पड़े हम अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए। और ये आरवी, मम्मी ने आरवी को ले रखा है। आरवी रे सामान, आरवी भी चारों तरफ देखती जा रही है कि आज मैं कहाँ पे आ गई हूँ। आरवी Thank you.
ये सेकंड एसी में आजकल पर्दे लगा दिए, कोरोना टाइम में पर्दे हटा दिए थे। तो ये देखो इसमें सेकंड एसी में दो सीट ये ऊपर होती है, दो सीट ये नीचे होती है। आपको बैठना था आप इसको फोल्ड करके सोने के लिए चौड़ी सीट होती है और ये और इसके साइड में ये दो सीट होती है। अगर आपको सोना है तो आप अपने ये सारे पर्दे लगा के सो सकते हो। ये पूरा आपका एक कैबिन बन जाता है, इस टाइप से आप पूरे पर्दे लगा के सो सकते हो। आगे ऐसे चद्दर मिलती हैं, चद्दर चुद्दर देती हैं। अरे ये चलो भी अच्छा तो ना 70 जना है आराम से किसी कुछ देख नहीं रहा। रोटी खाते चलो सोते चलो, बस दो ही काम है ट्रेन में ना। क्यों भाई दादाजी जितनी तन्ना चाहता है फिर ठीक है नहीं। ये सब खाना खा के पर्दे बंद करके सब सोने की तैयारी। ये आरवी मेरे पास सो रही है और सब सो गई है। इधर ये रजत सो रहे हैं, ऊपर रजत सो रहे हैं, नीचे मम्मी सो रहे हैं और सब सो। और अभी मैं जैसे मैं वीडियो बनाने लगी ये आरवी उठ गई है, उठते ही बस लग गए स्टार्ट हो गया खेलना। ये टाइम पास करने के लिए अभी ट्रेन में बना रहे हैं दाल भुजिया। कैसे बनी है पापा? हैं 200 रुपए की है ये मम्मी पापा नहीं है। ये अहमदाबाद में एंट्री हो गई है साबरमती रिवर। यहाँ से हमें ट्रेन चेंज करनी है अहमदाबाद टू सिरसा। एक बार सिर्फ मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, सिर्फ यही ये हम यहाँ आके बैठ गए थे और ये व्लॉग यहीं तक एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट अहमदाबाद टू सिरसा की जर्नी देखने के लिए नेक्स्ट पार्ट में जुड़े रहिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और व्लॉग को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट्स करना मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।